जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौनिताय भगवान की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, पतित पावन शिल गुरुदेव की जय, निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु आज वृंदावन में है, गोवर्धन में है। प्रभु आज गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रभु आज आदेश दिया है आज का श्रीमद् भागवतम क्लास कंडक्ट कराने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां सच। नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यो नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्राय सुभद्रेषु रिक्तं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। सो हम लोग आज 68 श्रीमद् भागवतम दसवा स्कंद 86 अध्याय स्टार्ट करेंगे। 10.86.1 श्रीराजोवाच। ब्रह्मन् वेदितुम् इच्छामः स्वाशरं रामकृष्णयोः यथोपाये मे विजयो या ममासीत् पितामही।
थोड़ा क्लोज है ट्रांसलेशन, थोड़ा क्लोज है आवाज अच्छा है, और क्लोज है जी। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह अर्जुन ने बलराम तथा कृष्ण की बहन से विवाह किया जो मेरी दादी थी। तो जस्ट मोमेंट, तो ये चैप्टर इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कैसे कृष्ण और बलराम का जो बहुत प्यारी बहन है, जिनको कृष्ण बलराम बहुत बहुत प्यार करते हैं, सुभद्रा, तो उनका कैसे अपहरण हुआ, कैसे अर्जुन ने उनका अपहरण किया और उनसे फिर विवाह किया। तो हम लोग को मालूम है सुभद्रा महारानी क्यों इतनी प्यारी है कृष्ण बलराम को। हम लोग देखते हैं रथ यात्रा में जगन्नाथ बलराम बलदेव एंड सुभद्रा महारानी, सो दे आर ट्रायो, सो शी मस्ट बहुत क्लोज होंगे भगवान कृष्ण का और भगवान बलराम का। यस ट्रांसलेशन। और इधर परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं सुभद्रा महारानी कौन है, परीक्षित महाराज का ग्रैंड मदर, दादी, राइट, दादी। तो जानना चाहते हैं कि कैसे है? कभी कभी बचपन में बच्चे लोग को भी जानने का शौक होगा कि हमारा दादी का कैसे शादी हुआ था दादाजी से, थोड़ा बताइए। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं कि थोड़ा बताइए क्या कार्यकलाप होता, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत बहुत कुछ घटना हुआ था, नॉर्मल शादी जैसा नहीं था, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, किडनैपिंग हुआ और फिर शादी हुआ। मेरे लास्ट टाइम भी जब भागवतम क्लास दिया तो उस दिन भी किडनैपिंग का ही केस आया भागवतम में, उस दिन चैप्टर नंबर 68 था, आज चैप्टर नंबर 86 है। उस दिन चैप्टर नंबर 68 में हम लोग देखे कि कैसे अर्जुन का पुत्र अर्जुन और सॉरी कैसे कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र सांबा, कैसे सांबा ने भरी सभा से दुर्योधन का कन्या, दुर्योधन का कन्या लक्ष्मणा को अपहरण किया जब उनका स्वयंवर हो रहा था। और आज हम लोग देखेंगे कैसे अर्जुन सुभद्रा का अपहरण करते हैं और बाद में उनका शादी होता है। ओके, ट्रांसलेट सॉरी परपोट, तात्पर्य, तात्पर्य। अब परीक्षित महाराज भगवान की बहन सुभद्रा के विवाह की कथा की ओर ध्यान ले जाते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर राजा परीक्षित का प्रश्न पिछली कथा से निकलता है, क्योंकि अर्जुन द्वारा सुभद्रा के साथ पाणी ग्रहण करना उतनी ही कठिन करामात थी जितनी कि कृष्ण द्वारा देवकी के पुत्रों को मृत्यु लोक से वापस ले आना, क्योंकि अर्जुन के साथ सुभद्रा के विवाह का स्वयं बलराम विरोध कर गए थे। हाँ, तो इतना आसान नहीं था अर्जुन का सुभद्रा महारानी को का साथ शादी करने का, क्योंकि यहाँ बलराम जी विरोध कर रहे थे। लेट इट बी ऑफ, बलराम जी विरोध कर रहे थे। बलराम जी और दुर्योधन बहुत अच्छा मित्र थे, दोनों एक साथ गदा भाजते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो उस बचपन से ही उन लोग दोनों बहुत क्लोज थे। हालांकि दुर्योधन दुष्ट था, लेकिन बिकॉज दोनों एक साथ गदा भाजते थे तो दोनों एक बलराम जी उनको पसंद करते थे उस एंगल से, और चाहते थे कि एक दिन हम अपना बहन सुभद्रा का शादी दुर्योधन से कराएंगे, ये उनका पर्सनल इच्छा था। और बलराम जी को कौन अपोज करेगा द्वारिका में, किसी का हिम्मत नहीं है, भगवान कृष्ण का भी हिम्मत नहीं है दाऊ जी दाऊ बड़े भैया का अपोज करना, और कोई भी यादवों का भी
हिम्मत नहीं था इस शादी को रोकना, तो वही लिखा है। तो उसीलिए ये घटना श्रवण करना बहुत जरूरी था कि कैसे फिर शादी हुआ, तो वही परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं। अगला श्लोक नंबर 2 और 3। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। अर्जुनस्तीर्थयात्रायाम्। अर्जुनतीर्थयात्रायाम्। पर्यटन अवनिम प्रभु। पर्यटन अवनिम प्रभु। गतः प्रभासम अर्नन। मातुलेयिं स आत्मनः। मातुलेयिं स आत्मनः। दुर्योधनाय रामस्तम्। दुर्योधनाय रामस्तम्। दास्येति न चापरे। दास्यति इति न चापरे। तल्लिप्षु स यतिर्भूत्वा। तल्लिप्षु स यतिर्भूत्वा। त्रिदण्डी द्वारकम् अगात्। त्रिदण्डी द्वारकम् अगात्। ट्रांसलेशन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, दूर दूर तक यात्रा करते हुए और विविध तीर्थ स्थानों का दर्शन करके अर्जुन प्रभास क्षेत्र आए। वहां उन्होंने सुना कि बलराम अपने मामा की लड़की का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और कोई भी उनकी इस योजना का समर्थन नहीं करता। अर्जुन स्वयं उसके साथ विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए। तो ओके, तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। भले ही सुभद्रा को पत्नी रूप में पाने की अर्जुन की योजना प्रथा के विरुद्ध प्रतीत हुई हो, किंतु वे प्रोत्साहन वश ही ऐसा करने जा रहे थे। दरअसल भगवान कृष्ण ही उनके मुख्य सह षड्यंत्रकर्ता थे। द्वारका में राजवंश के अधिकांश सदस्य विशेष रूप से वसुदेव अपनी प्यारी पुत्री दुर्योधन को देने के प्रस्ताव के कारण दुखी थे। हम लोग देखते हैं कि अर्जुन को क्यों चुना भगवान। एक तो भगवान चाहते थे कि अर्जुन के साथ सुभद्रा का शादी हो, और अर्जुन परफेक्ट कार्य कर रहा था। क्या कर रहे थे? वो तीर्थ भ्रमण कर रहा था, और तीर्थ भ्रमण करते करते उसी समय जब ये घटना हो रहा था कि सुभद्रा महारानी का शादी विवाह दुर्योधन से होगा, उसी समय भ्रमण करते करते अर्जुन प्रभास क्षेत्र आया, गुजरात द्वारिका के पास प्रभास क्षेत्र। गुजरात बहुत गुजरात में बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान है, और भगवान कृष्ण का लीला स्थली है। हम लोग भी यात्रा में गए थे प्रभास क्षेत्र, जहाँ भगवान ने अपना द्वापर युग में लीला समाप्त किया। फिर वहाँ गुजरात में गोपी तालाब भी हैं, जहाँ गोपियों ने भगवान के विरह में तालाब में कूदकर आत्महत्या किया, और उसी तालाब का मिट्टी सारा विश्व में वैष्णव लोग गोपी चंदन तिलक के हिसाब से लगाते हैं। और फिर गुजरात में डाकोर है, डाकोर में जगह स्थान है जहाँ भगवान रणछोड़ जी का मंदिर है। कृष्ण जब युद्ध भूमि से पलायन किया था, तो उधर राजा रणछोड़ राय, भगवान रणछोड़ राय का मंदिर है डाकोर में, गुजरात में। सो इट्स अ वेरी होली प्लेस गुजरात। तो इसीलिए प्रभास क्षेत्र में गुजरात में तो अर्जुन भ्रमण करने आए तीर्थ यात्रा में। और यहाँ लिखा है कि किसी का मत नहीं था, कोई चाहते नहीं थे कि बलराम जी, जैसे मैं बता रहा था, सुभद्रा का शादी दुर्योधन के साथ दे। और तात्पर्य में ये भी लिखा है कि बलराम जी का पिता वासुदेव वो भी नहीं चाहते थे। सुभद्रा महारानी वासुदेव और देवकी का कन्या था, तो उनको भी इच्छा नहीं था कि अपना कन्या को ऐसे एक दुष्ट व्यक्ति दुर्योधन के साथ शादी देने का, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि बलराम जी का ये इच्छा था। तो अर्जुन
को फिर पात्र चुना भगवान कृष्ण ने। इधर लिखा हुआ इंग्लिश में, इनफैक्ट लॉर्ड कृष्ण वॉज इज प्राइम को कॉन्स्पिरेटर। को कॉन्स्पिरेटर यानी हिंदी में षड्यंत्रकर्ता, षड्यंत्रकर्ता। तो ये षड्यंत्र कैसे सुभद्रा महारानी का शादी रोका जाए और इनसे दिया जाए शादी अर्जुन से, और इसलिए ये जो पूरा घटना घटेगा इसका प्लानिंग कौन किया था? भगवान कृष्ण ने। प्राइम यानी और भी कोई था, और भी सब सब यदु भी था, वासुदेव भी था, लेकिन मेन मुख्य कर्ता कौन था ये षड्यंत्र का? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का इच्छा था, तो उसीलिए अर्जुन मान गया। हालांकि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए ट्रांसलेशन का। भले ही सुभद्रा को पत्नी रूप में पाने की अर्जुन की योजना प्रथा के विरुद्ध प्रतीत हुई। हाँ, प्रथा के विरुद्ध। ऐसे अभी जस्ट आप तीर्थ भ्रमण करके आए प्रभास क्षेत्र, और हम लोग देखेंगे कैसे चातुर्मास वहाँ बिताए, और अभी आप तीर्थ भ्रमण का मूड में होना चाहिए, आप चातुर्मास इधर बिताए द्वारिका में, और अभी आप किडनैपिंग का करेंगे और शादी करेंगे यहाँ, ये कैसा लग रहा है ना कि साधु अभी तीर्थ भ्रमण करके आया, चातुर्मास इधर स्पेंड किया और अभी किडनैप करके शादी करेंगे, तो डज नॉट मैच। मामा का लड़की है इसलिए भी पता है, ये अनकन्वेंशनल है। और सोचिए कोई आपको स्थान दिया रहने का द्वारिका में चातुर्मास रहने का, तो साधारणतः हम लोग देखते थे कि साधु लोग चातुर्मास के समय कहीं मूवमेंट नहीं करते थे, एक ही स्थान में रहकर भजन कीर्तन, अपना रंधन भजन कीर्तन सब वहीं करते थे, क्योंकि परिव्राजक या भ्रमण करने से फिर साधना डिस्टर्ब हो जाता। चातुर्मास बहुत स्पेशल है और चातुर्मास में बहुत बारिश भी होता है, उसीलिए साधु लोग को बहुत कष्ट होता है इधर उधर भ्रमण करने में, तीर्थ करने में, उसीलिए एक ही स्थान में रहकर भजन करते थे। हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी बंगाल से वैष्णव लोग जाते थे उड़ीसा, जाने में बहुत शायद 2-3 महीना लगता था, और चातुर्मास उन लोग का यही इच्छा था कि गौरांग महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में बिताए, तो वो 4 महीना भक्त लोग महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में बिताते थे चातुर्मास। तो इसलिए चातुर्मास में ज़्यादा ट्रैवलिंग साधु लोग नहीं करते, एक ही स्थान में रहकर भजन साधन करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई चातुर्मास में कोई साधु आए आप और इन्होंने जगह भी दिया उनके रहने के लिए, कुटिया बना दिया शायद और सब आयोजन किया, और चातुर्मास ये साधु अर्जुन उधर ही बिताए, हालांकि वो छद्मवेश में था, कोई पहचान नहीं पाया, बलराम जी भी पहचान नहीं पाया कि अर्जुन है, तो उधर बिताए, और फिर बाद में वही अर्जुन अपहरण किया वहाँ का कन्या को, सुभद्रा को, तो ये अनकन्वेंशन लगता है, लेकिन क्योंकि भगवान का ही इच्छा था, धर्मात्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान का इच्छा था तो ये अर्जुन को करना ही था। अगर अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान का इच्छा ही उनका इच्छा है, हम लोग का भी वैसे ही होना चाहिए, भगवान का जो इच्छा है वही हम लोग का इच्छा होना चाहिए, हम लोग का लाइफ को ऐसे ही मोल्ड करना चाहिए हम लोगों को कि भगवान का इच्छा जो है वही हम लोग का इच्छा होना चाहिए, और भगवान की इच्छा बहुत अच्छा से भगवान बताया, जैसे श्रीमद्भागवतम में, श्रीमद्भागवत गीता में, तो हम लोग देख सकते हैं भगवान को क्या इच्छा है ये सब ग्रंथ पढ़ने के बाद। तो हम लोग का जीवन का भी उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जो भगवान का इच्छा है वो हम लोग का इच्छा बनना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन में कि अर्जुन त्रिदंडी, लास्ट सेंटेंस पर ये ट्रांसलेशन का लास्ट पार्ट, त्रिदंडी संन्यास धारण करके आए थे, तो उन्होंने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए। तो वैष्णव सन्यासी जो होता है वो त्रिदंडी सन्यासी कहलाते हैं, यानी उनका कर्मणा मनसा वाचा, तीन डंडा रहता है, आप देखिए उनके महाराज लोग जो डंडा लेकर चलते हैं, तो हालांकि आप देखते हैं कि एक मोटा डंडा एक क्लॉथ के अंदर में है, कपड़ा के अंदर में, गिरुआ कपड़ा के अंदर में वो डंडा रहता है, लेकिन उसके अंदर 3 डंडा है, त्रिदंडी, और फिर एक क्लॉथ से वो कवर रहता है, आप देखे होंगे इस्कॉन सन्यासी लोग उसी को डंडा को लेकर जहाँ जहाँ भ्रमण करते हैं, लेकिन डंडा को हमेशा लेकर चलते हैं,
तो ये क्या सिंबलाइज करता है, क्या चीज का प्रतीक है तीन डंडा? कि उन्होंने अपना कर्मणा कार्य, मनसा मन और वाचा वाणी तीनों भगवान कृष्ण पे समर्पित किया। दिस इज द सिंबलाइजेशन ऑफ थ्री दंडा। लेकिन मायावाद संन्यास जो होता है उन लोग एक दंडा, एक दंडी सन्यासी होते हैं। और ये क्या सिंबलाइज करते हैं कि वो भगवान पे लीन होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, जो हम लोग धिक्कार करते हैं वैष्णव सन्यासी, वैष्णव। ओके, और कुछ कोई पॉइंट है? मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। ओके, तो या अगला श्लोक, चार नंबर श्लोक। तत्र वैवक्षिकान्मासन, तत्र वैवक्षिकान्मासन अवसित स्वार्थ साधकः, अवसित स्वार्थ साधकः पौरेः सभाजितो अभिक्षम, पौरे सभाजिता अभिक्षणम रामेण जनता च सह, रामेण अजानता च सह। ट्रांसलेशन, अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए वे वक्षा ऋतु भर वही गाते रहे। बलराम तथा नगर के अन्य वासियों ने उन्हें न पहचानते हुए उनका सभी तरह से सम्मान तथा सत्कार किया। तो एक तो अर्जुन चातुर्मास कहीं बिताना चाहते थे तो वही स्थान चुन लिया। तो पहले तो अपना भी स्वार्थ था कि चातुर्मास बिताने के लिए एक अच्छा स्थान चाहिए, और भगवान का भी योजना को प्रयोजन था, मतलब वो उसको प्राप्त करने का। हाँ, यस, टू फुलफिल हिज पर्पस। और फिर भगवान का भी आदेश को पालन करना है, सुभद्रा से विवाह करना है। तो चार मास पहले उधर बिताया, उससे क्या होगा, परिस्थिति का पता चलेगा। जैसे कोई किडनैपिंग होने के आगे जो किडनैपर है पहले दो चार राउंड लगाते हैं, देखता है कि क्या परिस्थिति है, पहले देख लेते हैं। या कभी कभी छद्मवेश में उस परिवार में घुस जाते हैं और देखते हैं कि कौन क्या रोल है, किसका क्या, कब समय ठीक रहेगा किडनैप करने का। तो ठीक वैसे ही बलराम जी, सॉरी अर्जुन ने भी चार मास पहले जाकर तुरंत किडनैप नहीं किया, पहले जाकर वहाँ चार मास बिताए द्वारिका में, साधु वेश में वो भी, और कोई पहचान नहीं पाए, बलराम जी भी पहचान नहीं पाए। तो बलराम जी पहचान नहीं पाए, ये कभी हो सकता थोड़ी, भगवान बलराम जी साक्षात भगवान है। लेकिन भगवान कृष्ण का इच्छा से, योग माया से बलराम जी का आवरण हो गया और बलराम जी ने पहचान नहीं पाया। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा भी मोहन लीला में बलराम जी, उस दिन उनका जन्मदिन था तो नहीं गए थे, लेकिन पूरा एक साल भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, विस्तार, ग्वालवाल सब भगवान कृष्ण का विस्तार था। क्योंकि ओरिजिनल ग्वालवाल का जो सेट था वो तो ब्रह्मा जी ने गुफा में छुपा ली, और ये जो सेकंड सेट था ये साक्षात भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन था। लेकिन बलराम जी पहचान नहीं पाए एक साल, क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा से, योग माया से आवरण हो गया था, बलराम जी खुद पहचान नहीं पाए। तो भगवान का इच्छा था ये लीला को संपादन करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ भी बलराम जी अर्जुन को पहचान नहीं पाया। अर्जुन एक साधु का वेश में था, साधु का वेश यानी वो तो ऑलरेडी परिक्रमा कर रहे थे, तो साधु वही वेश में था, दाढ़ी वारी बना होगा और बड़ा बड़ा बाल हो गया होगा साधु का वेश में। और बलराम जी ने और द्वारिकावासी ने बहुत उनका सम्मान किया, आदर किया। क्या लास्ट फ्रेज क्या लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में? उनका सभी तरह से सम्मान तथा सत्कार किया, सभी तरह से सम्मान, कोई भी नहीं पहचाना, कोई भी नहीं पहचाना। उन लोग को लगा कि कोई सन्यासी है जो चातुर्मास इधर बिताना चाहते हैं, तो हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कैसे साधु का सम्मान करना चाहिए और उनका सब फैसिलिटी कर देना चाहिए जिस तरह से वो अच्छा से अपना भजन साधन कर पाए। तो ये गृहस्थ आश्रम का दायित्व है बाकी तीन आश्रमों को
फाइनेंशियली पालन करना, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और ये तीन आश्रम का कर्तव्य है कि गृहस्थ आश्रम को स्पिरिचुअली सपोर्ट करना। ओके, ऐसे ही आदान प्रदान। तो हम लोग को कभी भी मौका मिले ऐसा कि साधु को थोड़ा रहने का बंदोबस्त करना है, उनका प्रसाद का बंदोबस्त करना है, तुरंत बहुत मन से ये सेवा ले लेना चाहिए और अरेंजमेंट करना चाहिए, जिससे बहुत अच्छा से वो साधु अपना चातुर्मास या जो भी अपना स्टे है भजन साधन में बहुत अच्छा से कर पाए। और वो साधु जब आपके घर छोड़कर जब आगे जाएंगे, जब वो समाप्त हो जाएगा उनका टर्म और चले जाएंगे जब, तो अगर वो वैष्णव साधु बहुत तृप्त हुआ आपके यहाँ, प्रसन्न हुआ आपका यहाँ स्टे में, तो वो सब अपना जो अच्छा अच्छा गुण है वो आपके घर पे छोड़ के आपको देकर जाते हैं। ओके, अगला श्लोक, टेक्स्ट नंबर 5। एकदा गृहम आनीय अतिथेयेन निमन्त्रयतम् श्रद्धायोपहृतं भक्ष्यं बालेन भुजे किल। ट्रांसलेशन। एक दिन बलराम उन्हें अपने घर आमंत्रित अतिथि के रूप में ले आए और अर्जुन ने बलराम द्वारा आदर पूर्वक अर्पित भोजन ग्रहण किया। ट्रांसलेशन। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत व्याख्या से यह पता चलता है कि सन्यासी की भूमिका में अर्जुन ने वर्षा ऋतु के चातुर्मास व्रत को पूरा किया और उसके बाद अब वे गृहस्थों के सामान्य आमंत्रण फिर स्वीकार कर सकते थे। अतः उस समय बलराम के घर जाने के पीछे असामान्य मंतव्य के प्रति किसी को शंका नहीं हुई। हाँ, तो जो मैं बता रहा था कि 4 मास पहले उधर बिताया और पूरा उन लोगों का कॉन्फिडेंस गेन किया। और 4 मास बिताने के बाद फिर बलराम जी एक दिन जब चातुर्मास खत्म हो गया तो बलराम जी उनको इनवाइट किया अपने घर पे प्रसाद लेने के लिए। तो देखिए, 4 मास अगर स्पेंड नहीं करता है तो तुरंत उनको इनवाइट नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस नहीं आता उन लोगों के ऊपर, साधु के ऊपर। और उसके ऊपर उपरांत के 4 मास ये जो बिताते हैं साधु लोग खुद अपना कुकिंग करते हैं प्योरिटी के लिए। तो उस यूजुअली 4 मास चातुर्मास में साधु लोग किसी दूसरे का हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, खुद कुकिंग करके प्रसाद भोग चढ़ा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जब चातुर्मास खत्म हो गया तब बलराम जी ने इनको इनवाइट किया और अर्जुन ने इनविटेशन स्वीकार किया। तो किसी को संदेह नहीं होगा, चातुर्मास खत्म हो गया तो अभी तो साधु लोग गृहस्थों का घर प्रसाद ग्रहण कर ही सकते हैं। ओके, एंड हाँ, यहाँ रेनी सीजन लिखा हुआ है, 4 मंथ्स वाउज ऑफ द रेनी सीजन। तो उसीलिए ये वर्षा ऋतु में चातुर्मास 4 मास साधु लोग कहीं ट्रैवल नहीं करते थे, बहुत इनकन्वीनियंस होता है रेनी सीजन में परिक्रमा करने के लिए, तो एक स्थान में बैठकर भजन साधन करते थे। ओके, अगला श्लोक नंबर 6। सो अपश्यत तत्र महातिम कन्यां वीर मनोहरम् प्रीति उत्फुल्लेक्षणतस्यां भावशुभदं मनोदधे। ट्रांसलेशन। वहां उन्होंने अद्भुत कुमारी सुभद्रा को देखा जो वीरों को मोहने वाली थी। उनकी आंखें हर्ष से खुली की खुली रह गई, उनका मन विचलित हो उठा और उसी के विचारों में लीन हो गया। हाँ, तो जब इनविटेशन हुआ बलराम जी के घर पे, तो वहीं अर्जुन ने बलराम जी का बहन, कृष्ण बलराम का बहन सुभद्रा महारानी का दर्शन किया और देखते ही उनको
बहुत अच्छा लगा और उनसे विवाह करने का विचार मन में आया। तो ये सब भगवान कृष्ण का एक प्लानिंग था, योजना था। हम लोग ऐसा ना सोचे कि साधु अभी चातुर्मास पहन के और अभी ऐसे मन में विचार आ रहा है, तो ये भगवान का इच्छा था और भगवान ने तो बता भी दिया था, लिखा हुआ था ना वहाँ उस श्लोक में, को कॉन्स्पिरेटर क्या हिंदी में था, षड्यंत्र करता। तो भगवान का ये सब योजना था। अगला श्लोक नंबर 7। सपीतम चकमे वीक्ष्य नरिनम हृदयं गमम् हसन्ति व्रीडितापङ्गी तन्यास्त हृदयेक्षणः। अर्जुन स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षक थे, अतः ज्यों ही सुभद्रा ने उन्हें देखा वे उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा करने लगी। लजीली हंसी से तथा तिरछी चितवनों से उसने अपना हृदय तथा अपनी आंखें उन्हीं पर गड़ा दी। देखते ही सुभद्रा जान गए कि अर्जुन को सन्यासी नहीं अपितु उनके होने वाले प्रियतम है। भगवान श्री कृष्ण बुक में श्री प्रभुपाद इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित के पितामह अर्जुन स्वयं असाधारण रूप से सुंदर थे। उनका शारीरिक गठन सुभद्रा के लिए अत्यंत आकर्षक था। सुभद्रा ने भी मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह केवल अर्जुन को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेगी। सामान्य लड़की की तरह वह अर्जुन को देखकर बड़े हर्ष से मुस्कुरा गई थी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कि कैसे अर्जुन बहुत सुंदर थे, बहुत हैंडसम पुरुष थे और एक तो उनका उनको अच्छा लगा सुभद्रा महारानी को। और सुभद्रा महारानी भी जब अर्जुन को देखा इस आमंत्रण के द्वारा, तो शी वॉन्टेड टू हैव हिम एज हर हस्बैंड, तो उनको भी इच्छा हुआ उनसे विवाह करने का। एंड अर्जुन वॉज वेरी अट्रैक्टिव टू वीमेन, अर्जुन का ये बहुत सुंदर शरीर था, बहुत सुंदर देखना था और स्माइल। हम देखते हैं कि जब अर्जुन साधु वेश में उनको स्वर्ग लोक में रहने का अवसर मिला था, उधर वो मृदंग बजाते थे अर्जुन, तो वहाँ भी उर्वशी जो बहुत जो अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ है वो अर्जुन को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। और उनसे संबंध जोड़ने का इच्छा बताते हैं, लेकिन अर्जुन ने उस समय उर्वशी को प्रणाम किया और माता के रूप से उनको देखा और संबोधन भी किया। तो ये सुनकर उर्वशी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अर्जुन को श्राप देते हैं कि तुम यूनाक बन जाओ, क्योंकि तुम मेरा अस्वीकार किया, तुम मेरा प्रस्ताव अस्वीकार किया। यूनाक क्या बोलते हैं हिंदी में, नुपुंसक यूनाक, ओके। तो उसे पता चलता है कि अर्जुन कितना सुंदर होगा कि सर का अप्सरा को भी, सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उनको भी अर्जुन पसंद आ गया था। तो यहाँ सुभद्रा महारानी को भी अर्जुन पसंद आया और सुभद्रा न्यू दैट अर्जुना वॉज नो सन्यासी बट रादर हर डेस्टाइंड कॉन्सोर्ट। तो सुभद्रा महारानी को इधर लिखा हुआ है तात्पर्य में कि पता था कि अर्जुन जो है वो सन्यासी नहीं है, उनका होने वाला पति है। तो शायद भगवान कृष्ण ने ये योजना, उनका जो योजना था वो बता दिया होगा उनका बहन को। और कृष्ण बुक में श्रील प्रभुपाद भी अर्जुन का सुंदरता वर्णन करते हैं कि उनका जो शारीरिक गठन था वो बहुत अट्रैक्टिव था। एज अ सिंपल गर्ल शी वॉज स्माइलिंग विद ग्रेट प्लेजर लुकिंग एट अर्जुन। ओके, नेक्स्ट श्लोक नंबर 8। ताम परम
समानुध्यायान ताम पगम समानुध्यायान अंतरम प्रेप्षुर अर्जुनः अंतरम प्रेप्षुर अर्जुनः नालेभे सम भ्रमचित्तः नालेभे सम भ्रमचित्तः कामे नाति बलीयशः कामे नाति बलीयशः। उसी का ध्यान करते तथा उसे उठा ले जाने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अर्जुन को चैन नहीं मिल पा रहा था, उनका हृदय विचलित हो गया। ट्रांसलेशन सॉरी बलराम द्वारा सम्मानित किए जाने पर भी अर्जुन उनके शिष्ट आतिथ्य की सराहना नहीं कर सका क्योंकि वह अत्यधिक विचलित था। अर्जुन का विचलित होना तथा बलराम जी द्वारा वेश बदले अर्जुन को न पहचाना जाना, ये दोनों भगवान द्वारा अपने दिव्य लीलाओं का आनंद लेने की योजनाएं थी। तो अर्जुन को मालूम था कि परिस्थिति क्या है, कि बलराम जी का बहन का शादी दुर्योधन के साथ होने वाला है, तो अभी जाकर ये बोलना कि मैं आपका बहन से शादी करना चाहता, ये ठीक नहीं होगा। और उसके ऊपर वो साधु वेश में था तो ये बलराम जी को ठीक नहीं लगेगा। लेकिन मन ही मन में हमेशा उस सुभद्रा के बारे में ही अर्जुन सोच रहे थे, क्योंकि अर्जुन ने अपना हृदय सुभद्रा को दे दिया, हृदय दे दिया, ऐसे अट्रैक्टेड हो गया। करेक्ट। और बलराम जी उनको इतना सम्मान देकर चार मास उनको रखा अपने राज्य में, और फिर यहाँ हम लोग देखते हैं उनको इन्वाइट भी किया अपने घर पे भोजन के लिए। सो अर्जुन वॉज टू डिस्ट्रैक्टेड टू अप्रिशिएट लॉर्ड्स ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी। तो अगर इस समय अगर अभी अगर अर्जुन उनका बहन को अपहरण करेगा तो ये लिखता है श्रील प्रभुपाद कि ये फिर क्या बोलता है हिंदी में, ये मैं कोई आपको हेल्प किया, कोई आपका इतना सम्मान दिया और आप उल्टा उनको इतना कष्ट दिया, दुख दिया, क्या बोलते हैं अनग्रेटफुल को, क्या बोलते हैं अनग्रेटफुल, ओके आप लोग समझ रहे हैं अनग्रेटफुल। तो अर्जुनास डिस्ट्रैक्शन अकृतज्ञ। तो ये सब भगवान का योजना था, वही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। अर्जुनास डिस्ट्रैक्शन एंड लॉर्ड बलराम्स फेलियर। तो एक तो है अर्जुनास डिस्ट्रैक्शन, ये भी बल भगवान का योजना था। देखिए अभी मन ही मन में सुभद्रा महारानी अर्जुन को मन में आ रहा है, तो कैसे हो सकता है अभी ये साधु पूरा तीर्थ भ्रमण कर रहा है, अभी चातुर्मास बिताया और जस्ट एक स्त्री को एक महिला को देखकर इतना विचलित हो गया, ये भगवान का ही योजना था। ठीक जैसे परीक्षित महाराज इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा वैष्णव भक्त, एक साधारण साधु ने उनको पानी नहीं दिया तो इतना गुस्सा हो गया कि एक मरा हुआ सर्प उनके गले में टांग दिया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उस वहाँ के ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इतना महान भक्त ऐसे कार्य करे। तो हम लोग को समझ लेना चाहिए कि दिस इज विल ऑफ प्रोविडेंस, विल ऑफ प्रोविडेंस यानी भगवत इच्छा। तो हम लोग को भी समझ लेना चाहिए यहाँ कि अर्जुन ऐसे कार्य नहीं कर सकता है। तो ये भगवत इच्छा से ही उनका मन में सुभद्रा महारानी बैठ गया। अभी प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि बलराम जी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अर्जुन को पहचान नहीं पाया, इतना दिन राज्य में रहे अभी पहचान ही नहीं पाया। तो ये भी भगवान का ही इच्छा है, जैसे मैंने बताया था, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में हुआ था घटना। ओके सो वो बहुत वर अरेंजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड टू एंजॉय हिज ट्रांसेंडेंटल पास टाइम। भगवान अपना लीला एंजॉय करना चाहते हैं, परम भोक्ता है भगवान, तो लीला प्रदर्शन करके भगवान को आनंद मिलता है। तो उसीलिए ये सब कार्य भगवान करा रहे थे दूसरे से। अगला श्लोक नंबर 9।
महत्यं देव यात्रायां रथास्थां दुर्ग निर्गतम जहारानुमता पित्रो कृष्णस्य च महारथः ट्रांसलेशन। एक बार भगवान के सम्मान में विशाल मंदिर उत्सव के अवसर पर सुभद्रा रथ पर आरूढ़ होकर दुग्ध जैसे महल से बाहर आई। उस समय महारथी अर्जुन को उसका हरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुभद्रा के माता पिता तथा कृष्ण ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। ओके, पहले एक बार ट्रांसलेशन कर लेते फिर परपोट अलग से करेंगे। तो फिर एक अवसर आया, अच्छा मौका आया के एक बहुत टेंपल फेस्टिवल, ग्रेट टेंपल फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। चातुर्मास के बाद जब भगवान विष्णु उत्थान एकादशी उठ जाते हैं, चातुर्मास में भगवान विष्णु सोते हैं, जैसे चातुर्मास शुरू होता है शयन एकादशी से, तो भगवान सो जाते हैं शयन एकादशी में, और उत्थान एकादशी में चातुर्मास खत्म हो जाते हैं, तो उत्थान एकादशी भगवान उठ जाते हैं। तो ये आप लोग सुने होंगे, भगवान कहाँ सोते हैं, भगवान परवल का बालिश यानी पिलो में सोते हैं, उसीलिए चार महीना वैष्णव लोग परवल नहीं खाते हैं, बहुत वैष्णव लोग ऐसे मानते हैं, और भी बहुत चीज़ मना है चार महीना खाने। तो जब वो फेस्टिवल था उत्थान एकादशी का, भगवान उठेंगे, तो उस समय एक कुछ अनुष्ठान था कि एक रथ में, रथ का कुछ एक सुभद्रा रोड आउट ऑफ द फोर्ट्रेस लाइक पैलेस ऑन अ चैरियट। अच्छा, सुभद्रा महारानी उसी समय उस अनुष्ठान को अटेंड करने के लिए रथ से अपना महल से बाहर निकला, तो वही अच्छा मौका था उनको किडनैप करने का। और सुभद्रा लिखा हुआ है यहाँ, सुभद्रा पेरेंट्स एंड कृष्णा हैड सैंक्शन दिस। साधारणतः उस समय कन्या, घर के कन्या, वो भी अब अविवाहित कन्या कभी महल के बाहर नहीं जाती थी, इधर उधर मंडरा नहीं थी, अकेले अब निकलता ही नहीं थी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि सुभद्रा पेरेंट्स यानी वासुदेव एंड देवकी और भगवान कृष्णा, सुभद्रा महारानी का दादा, बड़दादा, उन्होंने ये अलाउ किया था। क्यों अलाउ किया था हम लोग को मालूम है कि अभी किडनैप होने वाला है, इसीलिए परपोर्ट में लिखा क्या है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती इस उत्सव को भगवान विष्णु की वार्षिक रथ यात्रा मानते हैं। जब भगवान चातुर्मास की समाप्ति पर योग निद्रा से उठते हैं, सुभद्रा के माता पिता वासुदेव तथा देवकी। हाँ, जो मैं बता रहा था कि उत्थान एकादशी, तो उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए सुभद्रा महारानी बाहर गई और उसी समय अच्छा मौका था अर्जुन को किडनैप करने का, अपहरण करने का। एट द एंड ऑफ चतुर्मास सुभद्रा पेरेंट्स आर वासुदेव एंड देवकी। ओके, नेक्स्ट श्लोक नंबर 10। रथोस्थो धनुर आदाय रथस्थ धनुर आदाय शूरं चारुंधतो भटान शूरं च अवुंधत भटान विद्रव्य क्रोशतम स्वानम विद्रव्य क्रोशतम स्वानम स्वभागम मृगरत इव स्वभागम मृगराट इव। अपने रथ पर खड़े होकर अर्जुन ने अपना धनुष धारण किया और उन बहादुर योद्धाओं तथा महल के रक्षकों को मार भगाया जो उसका रास्ता रोकना चाह गए थे। जब सुभद्रा के संबंधी क्रोध से शोर मचाने लगे तो उसने सुभद्रा को उसी तरह उठा लिया जिस तरह सिंह छोटे छोटे पशुओं के बीच से अपना शिकार ले जाता है। तो जब सुभद्रा महारानी रथ से महल से बाहर निकली तो उनके रक्षा के लिए सैनिक था और उनके साथ भी कुछ रिश्तेदार था, वो फेस्टिवल अटेंड करने के लिए गया और फिर अच्छा मौका देखकर अर्जुन के रथ आया और अर्जुन ने उनका अपहरण किया, सबको मार भगाया जितना भी उधर सिक्योरिटी गार्ड्स था। और कैसा, जस्ट लाइक
लायन टेक्स इज प्रे फ्रॉम द मिड्स ऑफ लेसर एनिमल्स, जैसे सिंह को जो जिसको खाना है उसी के बीच में जाकर उसी को पकड़ के बाहर ले आते हैं, ठीक वैसे ही अर्जुन ने सबके सामने से सुभद्रा महारानी को अपहरण किया। अगला श्लोक 11। तत्श्रुत्वा शुभितो रामः, तत्श्रुत्वा शुभितो रामः, पर्वानिव महर्णवः, पर्वानिव महर्णवः, गृहीतपादकृष्णेन, शूरिद्भिश्चानुसान्वितः। जब बलराम ने सुभद्रा के अपहरण के विषय में सुना तो वे उसी तरह विचलित हो उठे जिस तरह पूर्णिमा के अवसर पर सागर क्षुब्ध होता है, किंतु भगवान ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों सहित आदर पूर्वक उनके पैर पकड़ लिए और सागर मामला समझाकर उन्हें शांत किया। हरि बोल। तो देखिए बलराम जी को पता चला कैसे वो अपहरण हो गए, वो साधु जो आए हैं वो आपका बहन को अपहरण किया, कितना गुस्सा हुआ होगा बलराम जी कि चार मास इतना उनका अच्छा सत्कार किया और फिर घर में इनवाइट भी किया भोजन के लिए, और कितना अकृतज्ञ ये साधु, साधु तो नहीं असाधु है, हमारा बहन को अपहरण किया, बहुत गुस्सा हो गया बलराम जी। लेकिन भगवान कृष्ण कृष्णा रेस्पेक्टफुली टुक होल्ड ऑफ हिज फीट, तो भगवान कृष्ण अपना बड़े दादा का चरण पकड़ा। और दूसरे परिवार का सदस्य मिलकर उनको शांत किया, समझाया कि दुर्योधन बहुत बदमाश है और हम चाहते हैं कि अर्जुन है एक्चुअली छद्मवेश में है, मेरे हम लोग का कहना भी आया तो बहुत अच्छा है, और इनके साथ ही सुभद्रा महारानी का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मान लो प्लीज़ मान लीजिए आप, और हम लोग देखेंगे कि बलराम जी बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। भगवान ने उनको बताया कि वो उनका कॉन्स्पिरेटर है। हाँ पूरा वो लिखा नहीं है, तो सारा मामला समझा कर सारा मामला समझाया, तो हो सकता है बलराम जी बताया कि हम लोग ही सब उनको बुला कर ये सब करने बोला, उनको बुरा मत समझिएगा अर्जुन को। टेक्स्ट नंबर 12। प्रहिनोत परि बरहानी, प्रहिनोत परि बरहानी, वरवाद्वोर मुढ़ा बला, वरवध्वो मुदा बला, महाधानो पक्षरेभा, महाधन उपस्करेभा, रथस्व नरयोषितः, रथ अश्व नरयोषितः। ट्रांसलेशन। तब बलराम जी ने खुशी खुशी वह वधु के पास अत्यंत मूल्यवान दहेज की वस्तुएं भेजी जिनमें हाथी रथ घोड़े तथा दास और दासियां सम्मिलित थे। तो फिर देखिए बलराम जी बहुत तुरंत बलराम जी समझाने के बाद शांत हो गए, और फिर शादी के अवसर पर दहेज में बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट दिया, हाथी दिया, चैरियट हॉर्स रथ दिया, घोड़ा दिया, और कुछ नौकर भी दिया, दासियाँ। तो ये देखकर हमको पूरा वही याद आता है कि दूसरा अपहरण का जो मैंने क्लास दिया था सांबा का, सॉरी लक्ष्मणा का जो सांबा अपहरण किया था उसमें भी, उसमें दुर्योधन ने भी जब लास्ट में विदाय किया अपना कन्या लक्ष्मणा को तो वो भी बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट दहेज के रूप में भेजा। उस समय भी बलराम जी को क्रोध आया था दुर्योधन के ऊपर, कैसे हमारा बलराम जी और यादवों को क्रोध आया था कि कैसे हमारा कुरुवंशी ने उनका अपमान किया, हाँ कुरुवंशी ने अपमान किया, कैसे हमारा हमारा घर का लड़का अभिमन्यु सॉरी सांबा को कैसे उन लोग बंधन बनाए। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपना बहन सुभद्रा को दुर्योधन से विवाह नहीं कराना चाहते हैं, करेक्ट, सुभद्रा को दुर्योधन से विवाह नहीं कराना चाहते, लेकिन अपना पुत्र सांबा
कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र है सांब, उनको असिस्ट किया दुर्योधन का कन्या जाम्बवती से, सॉरी लक्ष्मणा से शादी करने का। तो सांबा को अलाउ किया दुर्योधन का कन्या लक्ष्मणा से शादी करने के लिए, अलाउ किया प्लस हेल्प भी किया, छुड़ा के ले आया फिर। लेकिन अपना डॉटर, अपना सिस्टर को दुर्योधन के हाथ में देने का एकदम इच्छा नहीं था। बैटरी 50% 15% आ गया, वेरी क्विकली। ओके, नहीं नहीं ठीक है, चार्ज करने हो जाएगा फटाफट अभी। ओके, तो क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन बुरा हो सकता है लेकिन उनका कन्या अच्छा है, भगवान ने ये विचार किया उसीलिए अलाउ किया। तो ये जरूरी नहीं है कि दुष्ट के घर पे दुष्ट संतान जन्म ले या साधु के घर में साधु संतान जन्म ले, दोनों लेके आना है तो इसलिए। अब लेकिन उनके घर में भेजना है, डेट इज वो इसकी करेक्ट। ओके ओके, सो अभी अगला श्लोक से अगला घटना चालू होता है। तो यही हम लोग आज रखते हैं। अच्छा, देयर वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, ओके, श्रुतदेव को कैसे उद्धार, ठीक है, ये बस यही रखते हैं आज। और एक अनाउंसमेंट है, यस, वो छोटा है वो वाला क्लिपिंग, तो वो वाला क्लिपिंग जो, तो ये पूरा कार्तिक महीना जो 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक है, तो इस साल फिजिकल दीपदान जाकर, भक्त लोग घर पे जाकर दीपदान नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो बहुत अच्छा हम लोग बलदेव ग्रुप ने अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु हम लोग ये प्रोग्राम रखे हैं कि हम लोग ऑनलाइन दीपदान कराएंगे भक्तों के घर पे हर एक दिन शाम को 6:30 से 7 बजे तक, आधा घंटा। तो नेट ऑन किया, तो ये हर एक दिन शाम को इस कार्तिक महीना में हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु ऑनलाइन दीपदान कराएंगे। और आप लोग एक लिंक दिया हुआ है हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें अपना चॉइस डेट का चॉइस बता दीजिए तो हम लोग ब्लॉक कर रखेंगे उस डेट को, और शाम को सब हम लोग 6:30 बजे लॉगिन करके आपके घर पे ऑनलाइन दीपदान कर सकते हैं। हाँ, ओके, और कुछ अनाउंसमेंट है, दैट्स इट राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। जय जय निताय गौर सितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।